आप इसी पृथ्वी पर कहीं पर हो, कहीं भी हो सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आप यहीं पर हो। पर क्यों हो और क्या हो किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि आप हो। हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है, सच में बहुत छोटी है। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये देखिए, जब हम जूम आउट करते हैं तो यूनिवर्स कितना बड़ा है। इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी कुछ भी नहीं है, ये अर्थ बहुत छोटी है। और इस अर्थ में सोचो आप कितने छोटे हो, लेकिन यही अर्थ हमें ज़िंदगी देती है, हर वो चीज़ देती है जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। एक मूवी में या फिर वीडियो में एक सेकेंड में 30 फ्रेम होती है, यानी अगर एक सेकेंड इस वीडियो को आपने देखा तो एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स निकल गई और आपको पता भी नहीं चला। और अगर इस एक सेकेंड के 30 फ्रेम में से एक फ्रेम निकाल ली जाए तो मूवी में या फिर वीडियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक उसी तरह अगर आपको इस दुनिया के फ्रेम से बाहर निकाल दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो कि कुछ टाइम उदास रहेंगे, आपके लिए रोएंगे, लेकिन एक टाइम बाद वो भी मूव ऑन कर जाएंगे। क्योंकि किसी को मिस करना जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, लोगों के माइंड को बहुत ही सैड कर देता है। इसीलिए कोई भी ज़्यादा टाइम तक आपके बारे में नहीं सोचेगा और सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे। और अगर आप लकी भी रहे तो ज़्यादा लोग ज़्यादा टाइम तक आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए उदास रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएट की हो। आप बहुत स्मार्ट रहे होंगे, आप एक लीडर रहे होंगे, आप एक आर्टिस्ट रहे होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग एक टाइम बाद आपको मिस करना बंद कर ही देंगे। और वो लोग भी जो आपको मिस करते थे वो भी एक दिन सब मर जाएंगे। हर इंसान की मेमोरी, यादें सब मर जाएंगे। किसी के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना ही इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए। दुनिया में आपने कुछ भी किया हो, दुनिया को आपने कुछ भी कहा हो, दुनिया में आपने एक बड़ा इम्पैक्ट किया हो, अच्छा या फिर बुरा, लोग सब भूल जाएंगे। तो अभी आप जिस भी चीज़ के लिए नर्वस हो, किसी की भी वजह से नर्वस हो सकते हो, किसी भी चीज़ का डर आपके अंदर हो सकता है, एग्ज़ाम का डर हो सकता है, जॉब रिजेक्शन का हो सकता है, प्यार में रिजेक्शन का हो सकता है, स्टेज पर बोलने का डर हो सकता है, शायद आपको अपनी लाइफ में इस मोमेंट पर कई सारी चिंताएं सता रही होगी, कई सारे बोझ आपके कंधों पर होंगे, हो सकता है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, मैं फेल हो गया, नंबर कम आए, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जॉब नहीं मिली, बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, एक टाइम बाद सब सही हो जाएगा। कोई याद नहीं रखेंगे आपके परसेंटेज, कोई नहीं सोचेगा ज़्यादा टाइम तक कि आप फेल हो गए थे। जिस लड़की को आप चाहते थे, अगर वो लड़की आपको नहीं मिली, और जब एक दिन उससे अच्छी लड़की आपको मिल जाएगी, तब आपको उसका ख्याल तक नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जन्मे, आप मर जाओगे, आपको कुछ टाइम तक याद किया जाएगा, फिर भुला दिया जाएगा। और जो लोग आपको मिस करेंगे, एक दिन वो भी मर जाएंगे। और आपके मरने से या फिर किसी के भी मरने से इस पूरी अर्थ की रोटेशन में ज़रा भी फर्क नहीं आएगा। दिन, रात, मौसम, नेचर, कहीं पर भी कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो जो भी आप करना चाहते हो, बिना चिंता किए करो, डर का सामना करके कर डालो। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कोई भी कुछ भी याद नहीं रखेगा। अगर आपने किया तो एटलीस्ट आपको मरने से पहले रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैं ये करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि जब इंसान के मरने का टाइम आता है, तब इंसान इस बात का पछतावा नहीं करता कि मैंने ज़िंदगी में ये काम किए, लेकिन वो उन कामों का पछतावा करता है जो उसने कभी किए ही नहीं, जो वो ज़िंदगी भर से करना चाहता था। और डर हमें किसी चीज़ का नहीं होता, बल्कि इस चीज़ का होता है कि ये नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जिन भी लोगों के बारे में आप सोच रहे हो कि वो लोग क्या कहेंगे, वो सभी लोग एक दिन मर जाएंगे और उनकी यादें भी मर जाएगी। कहीं पर भी यूनिवर्स में, इस पूरी अर्थ की रोटेशन में, कहीं पर भी नेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपको करना है कर डालो, सभी चिंताएं और सभी डर टेम्पररी है, एक टाइम बाद सब सही हो जाएगा। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपने अपना बेस्ट दिया और फिर भी आपको वो हासिल नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो इट्स ओके, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा है। प्रकृति इशारे करती है, मौके देती है, आपका कर्तव्य है कि आप उन मौकों को भुनाएं। आप सभी को आई विश यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो की ज़रूरत लाखों लोगों को है, लाखों लोगों तक आप नहीं भी पहुंचा सकते तो आप 10 लोगों तक पहुंचाएं। अगर 1 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा और वो 1 लाख लोग भी 10 लोगों को शेयर करते हैं, तो 10 लाख लोगों तक और उसके बाद में फिर 1 करोड़ तक ये बात पहुँच जाएगी। हर इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है,
तो मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें